सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम के झूमर का एक डिफरेंट और यूनिक और बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इस झूमर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बंडल मैक्रम लिया है। ये मेरा एक बंडल में हो गया है और मैंने यहाँ पे चार रिंग लिया है, जिसमें मैंने एक 2.5 इंच का रिंग लिया है, एक 4 इंच का है, 4 इंच का, और 2 2 पीस है, 6 इंच का रिंग है। और यहाँ मैंने ये पिंक कलर का जो बेल्स है वो 26 26 पीस लिया है। स्काई कलर का जो बेल्स है वो 4 पीस लिया है मैंने। स्काई कलर का जो बीट्स है वो 85 पीस लिया है, 85 पीस है। और ये रेड कलर का जो पिंक कलर का जो बीट्स है वो 60 60 पीस बीट्स लिया है मैंने। तो ये रेड कलर का बीट्स है 60 पीस है, स्काई कलर का बीट्स जो है वो 85 है, ये स्काई कलर का बेल्स जो है वो 4 पीस है, और ये पिंक कलर का जो बेल्स है वो 26 पीस मैंने यहाँ पे यूज किया है, और लाइटर और सीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फर्स्टली मैंने यहाँ पे 12 कॉर्ड लिया है और जिसको कि मैंने यहाँ पे 3 3 मीटर में कट किया है, और इसको हम 2.5 इंच के रिंग में मैंने इस तरह से गोल से बस ऐसे फंसा लिया है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्ड लेंगे, छोटा सा नहीं मतलब 1 मीटर का कॉर्ड लेंगे, और इसमें हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेते हैं या फिर आप गोल गोल घुमा करके इसको पाइपिंग कर लें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों कॉर्ड को कट करके और मेल्ट कर लेंगे। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा, हमको 4 कॉर्ड लेना है, 2 कॉर्ड ऊपर से और 2 कॉर्ड नीचे से। अंदर से हम 2 कॉर्ड लेकर के और बीच वाला जो 2 कॉर्ड है अंदर वाला, उसमें हम एक बीट्स लगा लेते हैं इस तरह से। और अब हम इस पे 4 सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे, 4 स्क्वायर नॉट लगाना है। चार सिंपल स्क्वायर नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक 4 सिंपल स्क्वायर नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक डिफरेंट कलर स्काई कलर का हम एक बीट्स लगा लेंगे। और फिर हम यहाँ पे 4 सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेते हैं। फोर सिंपल स्क्वायर नॉट लग गया है। अब हम यहाँ पर फिर एक पिंक कलर का एक बीट्स लगा लेंगे और एक नॉट लगा करके इसको फिनिश करते हैं इस लाइन को। इस तरह से फ्रेंड और सिंपल स्क्वायर नॉट बना के इस तरह से 4 लाइन बना लेती हूँ इस लाइन में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4
और 5 लाइन मैंने बनाया है और 4 कॉर्ड को मैंने बीच में ऐसे ही छोड़ दिया है और ये अब ये बिल्कुल अब ऐसे ही ये छूट जाएगा ऊपर, तो इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ पे बांध लेते हैं या फंसा लेते हैं इसको। इसका काम हम सबसे अंतिम में करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 5 लाइन हो गया है। अब 5 लाइन को हम यहाँ पे 4 इंच का जो रिंग है रिंग लेंगे और इसके ऊपर हम सारे कॉर्ड को पाइप इन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 इंच के रिंग में ये 5 लाइन को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे 2 लाइन के बीच में जो गैप है हम इसमें कुछ कॉर्ड अटैच कर लेते हैं। 2 ब्लॉक के बीच में जो खाली जगह है हम उसमें यहाँ पे 2 कॉर्ड डालेंगे। एक कॉर्ड को हम लेंगे, नीचे से निकालेंगे और डबल पाइपिंग करके इसको अटैच करेंगे और ये इस दोनों 2 कॉर्ड को मैंने यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड को 1-1 मीटर में कट किया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 इंच के रिंग में 10 एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच किया है जिसको मैंने 1-1 मीटर में कट किया है और 2 कॉलम के बीच में हम इसके 2 लाइन के बीच में हम यहाँ पे 2 कॉर्ड अटैच किए हैं। अब हम यहाँ पे 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में हम 1 बीट्स लगा लेंगे। और 1 नॉट लगा लेते हैं। सेम प्रोसेस पूरे में हम ऐसे ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 लाइन मैंने पूरे में नॉट बीट्स और नॉट लगा लिया है। अब हम इसके 2 नॉट के बीच में 1 बीट्स लगा करके और 1 नॉट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब सेकेंड लाइन बन जाए तो फिर सेकेंड लाइन के मोती के नीचे हम ये 4 कॉर्ड है 1 नॉट में, तो बीच के 2 कॉर्ड में हम 1 बीट्स लगा करके 1 नॉट लगा लेंगे। इसी के नीचे हम लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में मैंने इसी तरह से नॉट इस मोती के नीचे 1 नॉट 1 मोती 1 नॉट करके लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे 6 इंच का जो मेरा रिंग है वो लूंगी और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हमको पाइप इन कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 6 इंच के रिंग में सारे कॉर्ड को अटैच कर लिया है। अब यहाँ दो ब्लॉक के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये दिख रहा होगा। तो इस 6 इंच के रिंग में मैंने यहाँ पे 10 कॉर्ड को कट किया है, जिसको कि मैंने 75 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम में ही कट किया है। अब हम ये कॉर्ड लेंगे और इसको नीचे की तरफ से बस दो ब्लॉक के बीच में बस एक ही कॉर्ड हमको अटैच करनी है। इस तरह से मैंने पूरे रिंग में 10 कॉर्ड को दो ब्लॉक के बीच एक कॉर्ड को लगा करके अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे नीचे में। तो उसके लिए हम ये जो दो कॉर्ड हमने अटैच किया वो और इस ब्लॉक का कॉर्ड और फिर एक और ब्लॉक का कॉर्ड, इस तरह से हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये एक ब्लॉक, ये नॉट के नीचे का 4 कॉर्ड है और बीच में दो ब्लॉक के बीच में दो कॉर्ड मैंने अटैच किया था वो है, फिर एक और ब्लॉक का 4 कॉर्ड है और एक और जो मैंने एक्स्ट्रा अटैच किया था वो इतने कॉर्ड को लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कॉर्ड मैंने यहाँ पे लिया है। अब इस 12 कॉर्ड से हम यहाँ डिजाइन बनाएंगे। तो 6-6 कॉर्ड डिवाइड कर लेते हैं, 2, 4, 6 और 2, 4, 6 और यहाँ 6th कॉर्ड में हम यहाँ पहले एक बीट्स लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम सारे कॉर्ड को थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए हम पाइपिंग कर लेंगे। फिर ऊपर वाले कॉर्ड में हम एक बीट्स लगा लेंगे और यहाँ से ऊपर का 1st कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर सेम हम 5 कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए। फिर हम ऊपर के कॉर्ड में एक बीट्स लगा लेंगे और ऊपर से एक कॉर्ड लेकर के सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन हो गया है। अब इधर का जो 6 कॉर्ड, यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4 बीट्स लगा करके इस तरह का डिजाइन बनाया है। अब हम सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, ऊपर के एक कॉर्ड में हम बीट्स लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों तरफ यहाँ 4-4 बीट्स लग करके और ये एक डिजाइन बन गया है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे ये जो ऊपर का कॉर्ड है, दो कॉर्ड, इसको हम बैक साइड ले जाते हैं और बस ऊपर का जो दो कॉर्ड है इसको हम जोड़ लगा के बांध लेंगे। और बांधने के बाद अब हम इसको कट लगा लेते हैं। कॉर्ड कट करके और स्टिक कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे नीचे का जो दो कॉर्ड है, नीचे की तरफ जो दो कॉर्ड है उसको छोड़ देंगे और बाकी 3-3 कॉर्ड को दोनों तरफ कट करके एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो हम आगे की तरफ पलट लेंगे और अब जो यहाँ नीचे में की तरफ 4 कॉर्ड जो हमने छोड़ा था यहाँ पे, इसको हम नीचे का जो ऊपर का जो 2 कॉर्ड है इसको हम आपस में इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, क्रॉस करके तब नॉट लगाएंगे, बस एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे और इसको हम फिक्स कर लेंगे और कॉर्ड को ऐसे खींच लेना है तो ये इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। तो सेम इसी तरह का डिजाइन हमें यहाँ पे पूरे में बना लेना है। तो इसी तरह से हम पूरे में ये डिजाइन पहले बना करके तैयार कर लेते हैं। पूरे में हम ऐसे ही ब्लॉक बना करके तैयार कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम इस तरह से बना लिया है। ये देखिए, ये चारों तरफ है इस तरह से और सभी में 4-4 कॉर्ड छुटा हुआ है। अब हम सारे कॉर्ड को लेकर और 6 इंच का जो हमारे पास रिंग है उसको हम उसमें हम अटैच कर लेंगे। यहाँ 6 इंच का रिंग मैंने इसमें अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो जगह खाली है, यहाँ मैंने कुछ कॉर्ड को कट कर रखा है जिसको मैंने 1.5 मीटर में या 1 मीटर में कट किया है। अगर थोड़ा कम पड़े तो आप उसमें अटैच कर ले, एक मीटर कट करें और इसके बीच हम सिक्स इंच में सारे और 2 ब्लॉक के बीच में मैंने यहाँ पे 3 कॉर्ड को फंसाया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 15 कॉर्ड लिया है और जिसको कि मैंने 1 से 1.25 मीटर में कट किया है और जो बड़ा छोटा हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा अटैच कर लें। अब हम यहाँ पे इसको कट लगाएंगे। इसको कट लगाने के लिए फर्स्टली हम यहाँ पे मैं 1 फिंगर के डिस्टेंस पे फर्स्ट कट लगाऊंगी और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए सारे कॉर्ड को कट करते जाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड को छोटे से बड़े में कट कर लिया है। अब मैं इसमें बेल्स लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरे में इस तरह से बीट्स, दो बीट्स और बेल्स करके पूरे में लगा लिया है। अब मैंने जो यहाँ पे आपको बीच में फोर कॉर्ड छोड़ने को कहा था, ये बीच में उसी कॉर्ड को हम यहाँ पे अंदर की तरफ ले आएंगे। और जो सबसे लंबा कॉर्ड है, इसी के हाइट पे मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसमें प्रत्येक कॉर्ड में इस तरह से बीच वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पे इस तरह से बीट्स और बेल्स लगा लिया है। अब ये पूरा झूमर बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर का जो साइड है उसको लेंगे और इसमें हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेते हैं। जो कटा हुआ कॉर्ड है वही ले। इस तरह से मेरा ये झूमर बिल्कुल बन करके तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये झूमर बना करके तैयार किया है। ये इस तरह के डिजाइन का होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Have a nice day. Take care and